पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा में हिंसा के बाद 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समय रहते स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रहने के कारण कई वरिष्ठ पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया है। लेकिन इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर इसके लिए राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। राज्य सरकार ने कोलकाता पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा शहर का नया पुलिस आयुक्त बनाया है। वहीं कोलकाता पुलिस की डीसीपी दक्षिण पश्चिम स्वाति भंगालिया को हावड़ा ग्रामीण का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। याद दिलाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को हावड़ा जिले के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी थी, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से कई जगहों पर झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 13 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उलुबेड़िया, डोमजूर और पांचला समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर उनकी सरकार को निशाने पर लिया है। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया, 9 जून से जबरदस्त प्रशासनिक नाकामी रही है। रोकथाम के लिए समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। नियम कानून तोड़ने वालों को मनमर्जी करने दी गई। तुरंत कार्रवाई कर इसे रोका जा सकता था। एक महीने से स्थिति तनावपूर्ण है। इसके पहले राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा था कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस निष्क्रिय रही और नियम तोड़ने वालों का समर्थन करती रही। ममता बनर्जी से मैं अपील करता हूं कि कानून तोड़ने वाले सभी लोगों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि उससे जुड़े सभी लोगों की पहचान की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर अग्नि अधिकारी के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने इंस्पेक्टर की बेटियों को 11 लाख रुपए दिए और हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। इसके पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को एक खत लिखकर राज्य सरकार की शिकायत की थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि हावड़ा के सांकरायल, उलबेड़िया और दूसरी जगहों पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है और गोलियां चलाई हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि दो जगहों पर बीजेपी के स्थानीय दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने प्रभावित इलाकों में सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की मांग की थी।